लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रांताध्यक्ष नाना पटोले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज नवी मुंबई कांग्रेस ने अरवली के कातकरीपाड़ा में खाद्यान्न का वितरण किया। जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक के हाथों यहाँ सैकड़ों नागरिकों को राशन किट बांटी गई। उन्होंने कहा कि नवी मुंबई कांग्रेस लॉकडाउन की तंगी से परेशान नागरिकों को राहत देने 60 टन अनाज वितरित करने का कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने कहा कि हम बेहाल जनता को मदद का हाथ बढ़ाकर उन्हें राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस का नारा है आम आदमी के साथ कांग्रेस का हाथ। आज नवी मुंबई कांग्रेस ने इसे साबित करते हुए अरवली के कातकरीपाड़ा में जरूरतमंद लोगों के बीच मदद का हाथ बढ़ाया। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रांताध्यक्ष नाना पटोले के जन्मदिन को सादगी भरे ढंग से मनाते हुए नवी मुंबई कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक ने सैकड़ों नागरिकों को खाद्यान्न किट का वितरण किया। इस अवसर पर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष राजू वानखेड़े समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक ने कहा कि आज लॉकडाउन और कोरोना महामारी के बीच आम जनता आर्थिक संकट झेल रही है। नौकरी पेशा हो या वाहन चलाने वाले, टेम्पो ऑटो चालक, सब बेहाल हैं। ऐसे में जरूरतमंदों के लिए खाद्यान्न वितरण कांग्रेस की एक छोटी सी मदद है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले, इनका जन्मदिन साझा करने के लिए उनके आदेश अनुसार कि भाई मेरा जन्मदिन बिल्कुल भी साझा नहीं करना है, करना है तो सादेपणे में गौर गरीब को, गरजू को, जो कोरोना ग्रस्त है उनको मदद कर सकते हो तो इस सबसे करना। इसलिए हमने गांधी प्रहर का आदर्श सामने रख के सादेपणे में ये साझा किया है। ये ऐसे किट 2 तारीख को हमने शुरू किया था। 2 तारीख को 60 टन हमारे पास ये पूरा साठा था। ये हमने अपना पार्टी तरफ से दिया है और कोशिश करेंगे 100 टन तक ये जो कोरोना में लोग प्रभावित हुए हैं उनको ये देने के लिए, विशेषकर जिसमें टेम्पो ड्राइवर है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, मैकेनिक है, गैरेज में काम करने वाले जो आदमी हैं आज घर बैठे हैं वो देश की एसेट है, क्योंकि हमारी गाड़ी रिपेयरिंग करते हैं तो गाड़ी चलती है, गाड़ी चलती है देश चलता है। उसके बाद में टेम्पो ड्राइवर है, अगर गांव खड़े से भाजी पीजी लेके आता है हम भाजी खाते हैं, ये देश की एसेट है। आज उनके यहाँ पैसा नहीं है, इसलिए कांग्रेस का तय की है, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, ये हेतु रख के आज ये कार्यक्रम ये सब ने मिलके किया है। बताना जरूरी है कि नवी मुंबई कांग्रेस बीते 4 दिनों से अपने पदाधिकारियों के जरिए संपूर्ण नवी मुंबई में खाद्यान्न का वितरण कर रही है। इस मदद अभियान का शुभारंभ पार्टी प्रांताध्यक्ष नाना पटोले ने किया था। अनिल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ काम कर रही है, जिससे दूसरे दलों के कार्यकर्ता भी अब कांग्रेस से जुड़ने लगे हैं। उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के लक्ष्य को बल देते हुए कहा कि नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस की सत्ता लाने के लिए सभी पदाधिकारी जी जान से काम में जुटे हैं। भाजपा से 40 यूथ त्यांनी कोणी प्रवेश केला, राहुल पाटील म्हणून आहे त्याच्या नेतृत्वाखाली, आणि भाऊचं असं म्हणणं आहे की नवी मुंबईत महापालिकेत काँग्रेसचा झेंडा फडकल्याशिवाय स्वस्त बसायचं नाही, म्हणून आम्ही रात्रदिवस काम करत आहे। टीम आहे, राजू वानखेडे आमच्या इथे ब्लॉक अध्यक्ष आहे, चांगला आहे, एक शिक्षक आहे, हुशार आहे, नॉलेज आहे, असे आमच्याकडे 9 ब्लॉकमध्ये सध्या 8 ब्लॉक अध्यक्ष आहे। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।